मध्य प्रदेश की जनता के घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के 15,381.72 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से 2023 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में नल से पानी की आपूर्ति हो जाए, लेकिन राजधानी भोपाल में ही चिराग तले अंधेरे वाली कहावत सच साबित होती दिखाई दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल से 40 किलोमीटर दूर बैरसिया तहसील की ग्राम पंचायत कचनारिया का गेड़िया गांव के ग्रामीण इन दिनों जल संकट से जूझ रहे हैं। 800 आबादी वाले इस गांव के लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हालत ये है कि गांव की महिलाओं, पुरुष और बच्चियों को 1 किलोमीटर दूर स्थित हैंडपंप से पीने का पानी भरकर लाना पड़ता है। गांव के सरपंच और ग्रामीण जगह जगह इसकी शिकायत कर चुके हैं। राजनेताओं को मांग पत्र भी सौंपा जा चुका है, लेकिन उनकी फरियाद पूरी नहीं हुई। यह परेशानी है कि एक कोस पे पानी ला रही है, मटका दे या माथा, और हमसे तो बिल्कुल नहीं बन रही। भापड़ी बहू बेटी मर गई भर भर के, कहीं भी फायदो नहीं। यहाँ पानी है ही नहीं, है ही नहीं। सब एक ही हैंडपंप है, एक ही हैंडपंप हो जो ही पैर रोंदा रस बैठे भापड़ी ने भरवा का जे भले हल्को छिचर झूला मर गया। कितने गांव के लोग पानी भरने आते हैं? सभी आवे, पूरे गांव के, पूरा गांव में एक ही हैंडपंप। हाँ यो ही हो, आयो बगड़ जाए जब कुआन पे रोता फरम। हाँ, हमारे गांव पे पानी की ज्यादा ही समस्या है। आदरणीय विधायक जी से भी हमने बोला है, पूरे गांव वाले ने, तो उन्होंने कहा कि आपके गांव पे तो ये समस्या सोल्व नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पाएगी? देखते हैं समस्या क्यों नहीं हो पा रही, पानी की यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो पानी ही नहीं जाएगा। तो हम भी कह रहे हैं, ये नारायण सिंह गुर्जर की जगह है, ये देने के लिए तैयार है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रशासन अगर जगह को खोदने चाहते हैं, ट्यूबवेल लगवाने चाहते हैं, कुआं खुदवाने चाहते हैं, तो उसको हम देने के लिए तैयार हैं। और हम गांव वाले भी इस चीज़ में सहमत हैं। और यहाँ अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसको खोद के देख ले, लेकिन हम गांव वाले को पानी चाहिए या कहीं से लाके। दरअसल गांव ऊंचाई पर स्थित है और इसकी वजह से यहां का जल स्तर काफी नीचे है, इसलिए यहां पर कोई ट्यूबवेल या हैंडपंप सक्सेस नहीं होता, जिसकी वजह से गांव में नल जल योजना भी चालू नहीं हो पाई है। गांव के सरपंच हेमेंद्र सिंह गुर्जर का कहना है कि अगर जल संसाधन विभाग गांव से 1 किलोमीटर दूर जहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी है, वहां से पाइपलाइन के जरिए गांव में पानी पहुंच जाए, तो ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन मामला संज्ञान में आने के बाद भी अभी तक समस्या जस की तस बनी हुई है। हाँ, मांग करी है, पिछले कई वर्षों से मांग कर रही है ग्राम पंचायत। किस किस से मांग करी आपने? संबंधित विभाग पीएचई में दिया है, हमने जनपद पंचायत में, सभी जगह जहाँ जहाँ लगा, हमें जहाँ से उम्मीद बनती गई वहाँ हम लोगों ने सभी जगह आवेदन दिए हैं। कब से समस्या लगो पानी की? ये मैं जब से हूँ, जब से तो मैं देख ही रहा हूँ, उससे पहले से भी, पूर्व से भी, यहाँ हमेशा से यही समस्या। माननीय विधायक जी के संज्ञान में भी है, लेकिन क्या है, यहाँ पे पानी की जो समस्या अभी तक देखी गई है, सभी से जब हमारी बात हुई है, तो ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे पानी नहीं है, जिस वजह से विभाग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ पानी जैसी समस्या भी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगों को कई दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। लेकिन गोड़िया गाँव के लोगों को कब पीने का पानी मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बैरसिया से अनादि टीवी के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट।